इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत जी, क्या बातचीत हुई है, क्योंकि ये जो है 38 पार्टियां शामिल हुई। बड़ा पॉजिटिव तरीके से सभी दलों ने, और 38 नहीं थे 39 दल थे, सबने अपनी बात भी रखी। और पॉजिटिव चीज यही है कि आगे कैसे इस 25 साल के सफर को अगले 25 साल मजबूती से लेकर चला जाए, कैसे एनडीए तीसरी बार निरंतर देश में सरकार। आप लोग 39 पार्टियां हुए, दूसरी तरफ जो विपक्ष है 26 पार्टियां, नाम भी दे दिया इंडिया। चलिए अच्छी बात है, अभी तो पहली बैठक में लोग कम हुए, अगली में कितने कम होंगे वो समय बताएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक संदेश दिया है कि किस तरीके से जो है चुनाव में आगे जाना है, इस पर जो कुछ मिलके पूरा देश साथ होकर आगे बढ़ेगा, और मैं मानता हूँ बड़े पॉजिटिव संकेत। पॉजिटिव संदेश दिए हैं, पूरा देश एक साथ आगे बढ़ेगा, ये कहना है दुष्यंत चौटाला का, जो प्रधानमंत्री के साथ में जो एनडीए की बैठक हुई थी उसमें मौजूद थे। और प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया है कि सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ना है, तो वो एक पॉजिटिव संदेश है, ये कहना है दुष्यंत चौटाला का। सहयोगी कैमरा पर्सन मनीष के साथ अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज, दिल्ली। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर।